दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों, सबके दिल में कुछ कुछ होता रहता है कि 50 के बाद भी, 50 वर्ष के बाद भी हमारी 30 की तरह ताकत बनी रहे, जोश खरोश बनी रहे, उमंग बनी रहे, कामेच्छाएँ बनी रहे, निराशा ना आए जीवन में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को वो सब कुछ बताऊंगा, कौन से उपाय हैं, कौन से खान पीन हैं, कौन सी दवाइयां हैं कि लेने से आपके जीवन में 50 के बाद भी 30 के जैसे जोश और खरोश, उमंग, उत्साह, ऊर्जा बनी रहेगी। दोस्तों, नए व्यूअर्स रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, फिर वीडियो का आनंद लें। दोस्तों, करीब करीब सारे लोगों को ये उम्मीद रहती है, ये इच्छाएँ रहती है कि 50 के बाद भी मेरे साथ 31 साल के यंग के साथ जैसा जोश खरोश बना रहे, उमंग बढ़ा रहे, बना रहे, तो क्या करें। दोस्तों, पहला नंबर, आप लोग अपनी CBC के जांच करवा के देख लें, खून कितना है, पानी कितना है, प्लेटलेट्स कितने हैं, लीवर की जांच करवा लें, लीवर भी सही, क्योंकि लीवर पहला ज़रूरी चीज़ है। खून भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम से कम 12% 13% से कम नहीं होनी चाहिए, तभी आप उस चीज़ को फुलफिल कर सकते हो कि 50 के बाद भी आपके अंदर 30 की तरह जोश खरोश बनी रहेगी। तो ये पहले आप चेक कर लें, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई बीमारी नहीं, आप निरोग काया तो हो। इसके बाद है दोस्तों, आपके दिनचर्या कैसे हों, यानी सुबह उठ करके आप योगा करें, कुछ हल्का फुल्का जिम करें, ज़ोर से टहलें, तेज टहलें, शुगर नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, शुगर आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है, तमाम ऑर्गन्स को कमज़ोर कर देता है। तो आप ये सब चीज़ों से बचें, योगा करें, खान पीन में तली हुई चीज़ें बंद कर दें, घर की बनी हुई चीज़ें खाएं, बाहरी खाना ना खाएं, चिकनाई ना खाएं, ड्रिंक्स ना करें। इसके बाद दोस्तों, क्या करें कि एक गिलास दूध में एक चम्मच, छोटी चम्मच से एक चम्मच अश्वगंधा चूर्ण डाल करके डेली पिया करें। खाने में दूध और केला का इस्तेमाल ज़रूर करें, पनीर का सेवन ज़्यादा ना करें, भारी गरिष्ठ भोजन ना करें, हल्का पेट भोजन करें ताकि आपका मेटाबॉलिज्म दुरुस्त रहे। इसके बाद आता है दोस्तों, खाना खाने रात में सोने से 2 घंटा पहले खाना खा लें, तभी आपके अंदर जोश और खरोश बरकरार रहेगी। इसके आता है दोस्तों, आप खाने में ज़्यादा फल फ्रूट खाएं, सेब खाएं, अंगूर खाएं, अनार का जूस पिएं, चुकंदर का जूस पिएं, ये तमाम चीज़ें आपके मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करती हैं, जवानी को बढ़ाती है, जोश खरोश को बढ़ाती है, बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देती है और आपका जवानी लंबे दिनों तक बरकरार रह सकता है। इसके बाद आता है दोस्तों, सरसों के प्योर तेल में लौंग की थोड़ी 10-5 कलियां पका दें, छान लें और पेड़ों के इर्द गिर्द, जंघा के इर्द गिर्द, पेनिस के इर्द गिर्द, नाभि से नीचे डेली एक बार मसाज अवश्य करें, क्योंकि मसाज करने से खून का ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पहुँचेगा, अतः आपके यौन क्षमता का विकास होगा, यौन क्षमता का ह्रास नहीं होगा। कीगल एक्सरसाइज भी करें, यानी पेनिस में भी तेल की मालिश करें, ये नियमित करेंगे तो उसमें ब्लड फ्लो बना रहेगा, इरेक्शन में दिक्कत नहीं होगी, इरेक्शन सही होगा, तनाव सही आएगा, अतः आप ज़्यादा दिनों तक अपनी जवानी को बरकरार रख सकते हैं। तमाम चीज़ें समझाया, आप लोग इसको फुलफिल कीजिए, पूरा कीजिए, गारंटी कहता हूँ कि आपके 50 के बाद भी आपके अंदर 30 की तरह यौन इच्छा, कामेच्छा, ताकत, जोश, खरोश बनी रहेगी और शक्ति बनी रहेगी। अतः आप लोग इसको आजमाएं और लाभ उठाएं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।